नमस्कार, मैं हूं नवीरा शेख और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस में विद्युत मंडल कार्यालय के सामने गरीबों के बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता तथा रतलाम के गरीब और विद्युत बिजली से परेशान जनता उपस्थित थी। कांग्रेस नेताओं ने विद्युत मंडल के साथ ही शिवराज सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई तथा कमलनाथ सरकार द्वारा 100 यूनिट तक 100 रुपये की इंदिरा विद्युत योजना 150 यूनिट तक, जिस उपभोक्ताओं का बिल 385 आता था वही बिल आज शिवराज सरकार ने बढ़कर 2000 तक आ रहा है। ऐसा उपभोक्ता क्या उपयोग करने लग गया है कि उसका बिल इतना बढ़कर आ रहा है, ये बात समझ से परे है। धरना स्थल पर एक गरीब महिला तो ऐसी भी बिल लेकर उपस्थित हुई जिसका जून का बिल मात्र 99 रुपये आया था और जुलाई का बिल विद्युत मंडल ने 3000 से अधिक का बनाकर भेज दिया। ये बात उसके समझ में नहीं आ रही है कि एक महीने में उस मजदूर परिवार ने ऐसा क्या विद्युत का उपयोग किया कि उसका बिल 99 से बढ़कर 3000 तक पहुंच गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री महेश कटारिया ने स्मार्ट मीटर के बारे में बताया कि शिवराज सरकार शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लोगों से वोट मांगकर सत्ता प्राप्त की, लेकिन विद्युत मंडल से मिलकर भ्रष्टाचार द्वारा आज स्मार्ट मीटर तानाशाही पूर्वक अनिवार्य रूप से हर उपभोक्ताओं के घर लगाए जा रहे हैं, जो कि गलत है। विद्युत मंडल को अगर स्मार्ट मीटर लगाना है तो उपभोक्ताओं की इच्छा और सहमति से लगाना चाहिए। कटारिया ने कहा कि स्मार्ट मीटर में 6 LED लाइट 24 घंटे जलती रहती है, जिसका लगभग 30 यूनिट महीने का उपभोक्ताओं के विद्युत मंडल जबरन वसूली कर रहा है। आलोट विधायक श्री चावला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। आज हमने विद्युत मंडल के खिलाफ ये आंदोलन जो सड़क से शुरू किया है, ये विधानसभा तक पहुंचेगा। सरकार को गरीबों के बिल माफ़ करने होंगे और उन्हें समायोजित कर सही और उचित बिल देने होंगे। रतलाम के पूर्व महापौर श्री पारस सकलेचा ने कहा कि कोरोना काल में विद्युत मंडल ने घर पर रीडिंग लेने नहीं जाना बताकर कोविड के नियमों का हवाला देकर 2 माह तक रीडिंग नहीं ली और उपभोक्ताओं को एवरेज बिल के नाम पर वसूली की गई। उस समय कहा गया था कि आने वाले समय में इस राशि को समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन इसे आज तक समायोजित नहीं किया गया है। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी घटनास्थल को संबोधित किया। धरने में मुख्य रूप से महेंद्र कटारिया, शांतिलाल जी, रजनीकांत व्यास, आरिफ मामा जी एवं राजीव रावत, सुमित यादव, शहर के सभी प्रमुख कांग्रेसी नेतागण उपस्थित रहे। भारत से पैसा मिल रहा है तो ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए और मैं सोचता हूँ कि आप सभी, हम सब इसके शिकार हो रहे हैं। इंदिरा घर ज्योति योजना के बिल जब ये सरकार बनी अप्रैल में, आप याद कीजिए अप्रैल का महीना 2020 का, फरवरी मार्च तक हमारे इंदिरा घर ज्योति के बिल लगभग जितने उपभोक्ता थे, घरेलू उपभोक्ता तीनों विद्युत वितरण कंपनी में, उन विद्युत वितरण कंपनी के तीनों उपभोक्ता के 70% लोगों को इंदिरा घर ज्योति योजना के बिल आते थे उसकी लिमिट के अंदर 100 रुपए के आसपास के। अप्रैल और मई महीनों ने षड्यंत्र पूर्वक यह कहकर कि हम रीडिंग नहीं ले सकते औसत बिल देने का काम किया और कहा कि ये बिल हम आगे चल के जुलाई में एडजस्ट करेंगे, लेकिन आप सभी जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज तक उन बिलों को एडजस्ट नहीं किया गया है। और आप ये भी जानकर आश्चर्य करेंगे कि पिछले साल का अगर पूरा रिकॉर्ड देखें तो विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा आदरणीय वकील साहब जो घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली दी गई उसमें 40% की कमी हुई उपभोक्ता के उपभोग में, लेकिन बिजली के बिलों में 60% की वृद्धि हुई। टोटल की दुर्गति होना शुरू हो गई। कमलनाथ जी की लोकप्रिय सरकार के जनहितैषी निर्णय एक के बाद एक इन्होंने बदलने चालू कर दिए। क्यों नहीं बदलेंगे निर्णय, क्यों नहीं बदलेंगे, जनता का खून क्यों नहीं चूसेंगे? क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस भारतीय जनता पार्टी का नेता ये घोषणा करते हैं कि व्यापार मेरे खून में है, तो फिर ये प्रदेश में बैठे हुए शिवराज मामा व्यापार क्यों नहीं करेंगे? ये आपस में समझने की चीज है और ये जनता को समझने की चीज है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल कांग्रेस सरकार में एक सेवा का काम था, लोगों को बिजली, खाना, सड़क मुहैया कराना एक सरकार की आवश्यकता नहीं, उसका कर्तव्य है, एक सरकार की नैतिक जवाबदारी है कि आम जनता को इन प्राथमिक चीजों को, पानी बिजली को उपलब्ध कराए। इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जनता से टैक्स ले रहे हैं, जनता से पैसे ले रहे हैं। और कमलनाथ सरकार को आज इस मंच के माध्यम से
हम धन्यवाद देना चाहते हैं इंदिरा ज्योति योजना के अंतर्गत, इंदिरा किसान ज्योति योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1,00,000 उपभोक्ताओं को उन्होंने राहत दी। संविधान को बचाना है क्योंकि संविधान हमारा खतरे में है और जब संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा और जब ये देश बचेगा तो हम और आप बचेंगे। धन्यवाद साथियों। और मौलिक अधिकारों का हनन ये प्रशासन कर रहा है हमारे साथ। कई जगह हमारे आदिवासी क्षेत्रों में लाइट नहीं है लेकिन उनको बिजली के बिल जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, लाइट नहीं होते हुए भी बिजली के बिल जा रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो समाज में अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया है, हमेशा से किया है, आजादी के बाद से किया है। तो ये लड़ाई हमको जारी रखना है और कांग्रेस पार्टी रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।